हेलो गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ आलू मटर की सब्जी। तो चलिए मैं सब्जी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक पैन गरम कर ली हूँ, इसमें डाली हूँ सरसों तेल और कुछ खड़े मसाले, फिर मैं इसमें हींग डाली हूँ और यहाँ पे 2 से 3 कटे हुए प्याज डाल दी हूँ और प्याज को अच्छे से मैं फ्राई करूँगी जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फिर मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी हूँ और यहाँ पे ये मैं डाली हूँ टमाटर, टमाटर के साथ ही मैं डाली हूँ नमक और इसे अच्छे से 5-6 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। फिर यहाँ पे सारे मसाले डालूँगी। तो मसाले में मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च। फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाला जले ना, और फिर मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। जब मसाला अच्छे से पक जाए तो फिर मैं इसमें हरे मटर डालूँगी। तो यहाँ मैं मटर अच्छे से धो ली हूँ और यहाँ ये मैं डाल रही हूँ मटर, और मटर को भी मैं मसालों के साथ 4-5 मिनट के लिए पकाऊँगी। और फिर मैं यहाँ डालूँगी उबले हुए आलू। आलू को मैं पहले ही बॉईल करके रख ली थी, तो यहाँ पे मैं आलू डाल दी हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स करके फिर मैं यहाँ पे पानी ऐड की हूँ। जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी रखूँगी और इसे अच्छे से पका लूँगी। फिर मैं इसमें यहाँ पे डाली हूँ काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें आप बटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। तो ये सब्जी बन के रेडी है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हरे धनिया के पत्ते, इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो आप इसे लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। तो ये पूरी, पराठा, चावल या रोटी किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मुझे ये पूरी के साथ ये सब्जी बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पूरी के साथ ट्राई कर रही हूँ। आप किस चीज़ के साथ ट्राई कर रहे हो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।